नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मात्र 2.1 किलोमीटर पहले इसरो के मिशन नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप में भागलपुर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा को किया गया निलंबित। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा, प्रदेश में अब प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में डीएलएड मान्य नहीं होगा। और अब खबर विस्तार से। चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो सकी। चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर मिशन चंद्रयान 2 का धरती पर स्थित मिशन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने रात 2:16 पर इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि रात 1:39 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतिम क्षणों तक सब ठीक रहा, लेकिन चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर लैंडर विक्रम से ग्राउंड स्टेशन पर संपर्क टूट गया। इसके बाद लैंडर से किसी तरह का डेटा मिलना बंद हो गया। के सिवन ने कहा कि लैंडिंग की प्रक्रिया से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। इसरो की ओर से इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से भेंट की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। देश को आप पर गर्व है, बेहतर की उम्मीद रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश और मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इसरो के नियंत्रण कक्ष से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो गया है। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है, जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पैक्सों के चुनाव नवंबर तक करा लिए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने निर्वाचन प्राधिकार को 2 और 3 चरणों में ही चुनाव कराने का सुझाव दिया है। राज्य के 8,463 पैक्सों का चुनाव होना है। इसके लिए 1,16,00,000 सदस्य बनाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार बोधगया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके साथ ही भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों को 101,41,00,000 रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। श्री मोदी ने मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में बौद्ध और हिंदू धर्म की पहल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। केंद्र सरकार ने भी बोधगया सहित देश के 17 पर्यटक स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इस महीने पोषण की कक्षा लगेगी। पोषण की कक्षाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के उपाय बताए जाएंगे, साथ ही स्वच्छता के महत्व की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के विद्यार्थियों में विशेष गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया है। पटना उच्च न्यायालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्र को निलंबित कर दिया है। जिला जज ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्य का प्रभार दीपांकर पांडेय को दिया है।
गौरतलब है कि भागलपुर के एक फल व्यवसायी की हत्या मामले की सुनवाई के बीच पिछले 10 दिनों से अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्र की ओर से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से DLED करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बिहार सरकार को इस संबंध में स्पष्ट किया है कि 18 माह का DLED कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने की 18 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन 17 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने कहा है कि निजी और व्यावसायिक वाहनों के मनपसंद नंबर लेने के लिए वाहन मालिक को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1,000 रूपये देना होगा, जिसे वापस नहीं किया जाएगा। विभाग के सूत्रों ने बताया कि एक से अधिक वाहनों के लिए अलग अलग पंजीयन शुल्क लगेगा। वहीं परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए 4,77,00,000 रूपये आवंटित किए हैं। ये सीतामढ़ी, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर के लिए आवंटित राशि है। पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 1 साल पूरे होने पर पूर्ण बैंक का लाइसेंस मिल गया है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अन्य बैंकों की तरह काम कर सकेगा। इसके अंतर्गत अब बिना एटीएम कार्ड, पासबुक के कहीं से भी सिर्फ अंगूठे के निशान पर ही रुपए निकाले जा सकेंगे। इसके तहत एक बार में 10,000 रूपये की निकासी की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए किसी भी बैंक से राशि निकालने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। राजधानी पटना के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पूर्णिया पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को 1200 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। व्यवहार न्यायालय पटना में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिन वसूली श्रम, बाल, बिजली, पानी बिल, दीवानी और फौजदारी से संबंधित मामले निष्पादित किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 9 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित है। ये परीक्षा 2 से 6 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। गोपालगंज के जल संसाधन विभाग ने ठेकेदार रामाशंकर सिंह की मौत के मामले में फरार अधीक्षण अभियंता जितेंद्र प्रसाद सिंह के पटना स्थित फ्लैट में दूसरे दिन भी कुर्की जब्ती की। वहीं इस मामले में फरार मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के पटना स्थित फ्लैट की कुर्की जब्ती आज की जाएगी। चेन्नई में संपन्न ऑल इंडिया रैंकिंग महिला टेनिस के युगल स्पर्धा में बिहार की मेधावी और आयुषी ने उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। पटना में आज से 4th राष्ट्रीय रोइंग इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पटना में आज राज्य सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा, चांद पर चूके। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, 2 कदम दूर, चंद्रमा की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर लैंडर से संपर्क टूटा। चंद्रयान 2 से जुड़े वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने ढाढ़स बंधाया। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आपने जो भी किया राष्ट्र को गर्व है। प्रभात खबर ने लिखा है, बांका में कोयले का खनन, रोहतास में हीरे की संभावना। और अब अंत में मुख्य समाचार। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मात्र 2.1 किलोमीटर पहले इसरो के मिशन नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप में भागलपुर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्र को किया गया निलंबित। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा, प्रदेश में अब प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में DLED मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।